और उनके साथ में थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तात्कालिक रूप से वहाँ पे पहुँच गए थे और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लिया और मेरे द्वारा सभी मेरे जो कर्मचारी हैं उनसे चर्चा की गई, आशा कार्यकर्ता एम से चर्चा की गई और उनसे मुझे ये ज्ञात भी हुआ है कि पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सुबह पुनः सुबह हमारी टीम जाएगी क्षेत्र में और काम करेगी और वर्तमान परिस्थितियों में यदि इस तरह की घटनाएं लगातार जारी रहीं तो हमारे कर्मचारियों का मोराल निश्चित तौर पर डाउन होगा और उसी संदर्भ में मैं आया था उनको समझाने के लिए कि हमें किसी भी तरह से अपने कार्य को बाधित नहीं करना है, कार्य हमको करते रहना है और मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। थोड़ी सी सख्ती की हमारी अपेक्षा है, कर्फ्यू थोड़ा सख्ती से लागू किया जाए और जब भी हम घर घर जाके काम कर रहे हैं तो लोगों को साथ आना चाहिए, आगे आना चाहिए। हम उनकी समस्याएं जानना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इस तरह के कोई भी संदेहास्पद रोगी है उनको ढूंढ के हम उनका उपचार करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो गंभीर स्थितियों में अस्पताल पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डाले। इसी को लेकर शासन द्वारा ये सर्वे निर्देशित किया गया है और उसी के अनुरूप ये कार्य किया जा रहा है। व्हाट्सएप जैसे ये बताया, मैं ये बोल रहा हूँ कि टीम के साथ में वहाँ पे कुछ दुर्व्यवहार हुआ है लेकिन अब वो वास्तव में इनके साथ था या जिस तरह से ये भी चीजें आ रही हैं कि दो परिवारों के बीच का झगड़ा था उनको लेके उनको ऐसा मैसेज गया है कि कुछ वीडियो शूटिंग हो रही थी उनकी, इस तरह की बातें भी हैं। तो यदि वो दोनों शिक्षक जो थे यदि उनसे मेरी चर्चा हो पाती तो स्थितियां ज्यादा स्पष्ट हो पाती। और जहां तक आपके द्वारा ही कहा गया है कि चिकित्सक, तो चिकित्सक यदि स्पॉट पे थे और उनके द्वारा जानकारी दी गई है तो मुझे लगता है वो सही होगी, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं पुनः बताना चाहूंगा कि टीम से मेरी बात हुई है और प्रशासन के अधिकारी हैं और पुलिस विभाग के भी अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी मुझे आश्वस्त किया गया कि कल सुबह जब टीम आएगी तो पर्याप्त सुरक्षा के साथ उनको कार्य करने दिया जाएगा।